नमस्कार मित्रों आपका इस कड़ी में फिर से स्वागत है कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में हर एक कवि अपनी अपनी कुछ नई कविताएं लेकर आता है लेकिन हमारी कविता भी, भी अधूरी है जिसका नाम है गीतकार और गायक जो चिराग में से ली गई है और ये लिखी है यशपाल शर्मा जी ने जो पठानकोट में रहते हैं जहाँ तक मैंने उनके बारे में ये सुना है कि वो रेडियो में भी कुछ कार्यक्रम दे चुके हैं शायद अभी भी देते आए हैं इसके बारे में हम उनके मुख से ही सुनेंगे तो ही बेहतर है आइए मैं आपका और आप मेरे उस मेहमान का स्वागत करेंगे यशपाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टडियो में ला करके कुछ कहने का मौका दिया जी <laughs> मैंने आपकी एक जीवन शैली में से एक चीज ये भी पढ़ी कि आप रेडियो में भी कार्यक्रम करते आए हैं तो आपने रेडियो में आ, कौन सा आ, रेडियो तो बहुत होता है लेकिन है, कौन सा आ, ऐसा चैनल है जिसमें आपने ये काम किया है मैंने जम्मू आलू आलू रेडियो में मैंने जी आलू रेडियो जो रेडियो है वहीं मैंने काफी प्रोग्राम दिए हैं मैंने जी 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 तो धीरे-धीरे जब देखा कि दो छुट्टियां मुझे लेनी पड़ती थी तो हमारी 10 छुट्टियां होती थी अच्छा तो फिर मैं कुछ प्रोग्राम दे करके कुछ प्रोग्राम मैंने कटुवा ऑल ओवर इंडिया जो है उसमें मैंने कुछ दिए तो उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन अपना दूरदर्शन जलंधर के ऊपर भी कुछ प्रोग्राम दिए हैं मैंने जी जी जी। तो बस ऐसे ही जहाँ बुलाया जाता है आपने बुलाया जहाँ आगे हैं वो बुलाते हैं वहाँ चले जाते हैं हमारा काम है यात्री हैं हाँ यात्री हैं कहीं भी बुलाला लो तो बस तो जाना, जाना है क्योंकि कवियों का काम, यही, काम यही, है यही है कि हमें आगे बढ़ना है और दूसरों को भी साथ आगे लेके भी, भी आगे बढ़ना चाहिए तो आपने जो एक ये सरकारी स्कूल जो आपका गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाई जो है साथ ही आपने आपने बताया की एम ए भी किया तो इसमें आपने कुछ कठिनाइयों का सामना क्योंकि पहले पहले के जमाने में पढ़ाइयों के बारे में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था क्योंकि हमारे पास कुछ साधन भी नहीं होते हाँ थे आ, जो जैसे आपने बोला कि आप जम्मू कश्मीर से आप आए तो वहां पर ये स्टडी की या भारत में आने के बाद कैसे करके मतलब थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में बताइए मेरा जन्म ही 12 अगस्त उन्नीस को जी गाँव बहादुरपुर सबसील पठानकोट जी उस समय जिला गुरदासपुर था अच्छा। उसमें मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता अनपढ़ भाई मेरा उस समय जब पाकिस्तान बना श्री किशन चंद जी वो नौमी में पढ़ते थे अपने नान के तो उसके बाद जब वो सारा परिवार इस गांव में आया वो आगे पढ़ ना पाए क्योंकि उस समय सबसे बड़ी जो समस्या वो पेट पेट पालने की थी बहन श्रीमती गोदावरी देवी जी वो शादी के लायक हो चुकी थी बड़े भैया भी शादी के लायक हो चुके थे तो अब पिताजी के सामने दो बातें थी कि पेट भी पालना है और उन दोनों आ, मैंने बेटे और बेटी की शादी भी करनी है।, है। मेरे जन्म के बाद दोनों की शादी हुई और मैं अपने घर में सबसे छोटा तीन दो तीन भाई एक बहन थी एक मैं मतलब दो भाई एक मैं तीन एक बड़ी बहन थी मैं सबसे छोटा था मुझे ज़्यादा प्यार किया जाता था तो उस समय गांव में स्कूल नहीं होते थे जंगलात ज़्यादा हुआ करती थी रास्ते नहीं थे तो मुझे एक गांव था जस्मा जी मेरे गांव के तीन चार लड़के पढ़ने जाते थे साथ में मेरे पिता श्री जी चाहते थे कि जे पढ़े कि बड़ा बेटा नहीं पढ़ पाया जो मजोला था श्री कस्तूरीलाल वो भी पढ़ नहीं पाया स्कूल में भेजा तो ऐसा कह लें कि उसके भागे में आ, शिक्षा नहीं थी जब जा भेजा जाता वो बीमार हो जाता उसे कहा चलो हमारा अनपढ़ ही ठीक है ये ठीक रहना चाहिए स्वस्थ रहना चाहिए तो जस्मा में मैं उस समय तीसरी श्रेणी में पढ़ता था जब दरियाए रावी ने मेरे स्कूल को बहा दिया लोड जैमल्स में आ गए हम तो वहाँ हम पैदल जाते थे रास्ते हमारे कच्चे थे वहीं से मैंने प्राइमरी शिक्षा पास की हाई स्कूल था तो हाई स्कूल में मैंने मैट्रिक जे की मैट्रिक की मैट्रिक के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं कॉलेज में पढ़ूं किंतु माँ बाप के माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं थी कि मुझे कॉलेज में भेज सकते एक उसकी वजह और थी कि मेरे फूफा जी श्री बाबूलाल जी वो गांव शेरपुर के रहने वाले थे उनके जो बेटे कॉलेज में गए वो सफल नहीं हो पाए तो मैं जब भी कहता कि मुझे कॉलेज में भेजा जाए मैं पढूंगा मेरा मन है तो वो कहते कि नहीं अगर एक मास्टर के बेटे काम नहीं हो सकते किसान के बेटा कैसे काम हो सकता है चलो ना चाहते हुए मुझे जे में दो साल के लिए दाखिल करवा दिया गया मैं किंतु मन नहीं था कि मैं टीचर बनूँ मेरा मन था कि मैं बी ए करने के बाद कमीशन लड़ूँ और एक सेना का एक अफसर बनूँ मैं मेरे मन का एक भाव था तो जी, जी। तो टी करने के बाद मैं साठ डेढ़ साल तक ऐसे ही रहा बड़े भैया के श्री किशनचंद जी साबन के बहुत बड़े कारीगर थे जहाँ वो नौकरी करते थे कठुआ में वहाँ मुझे भी एक साल तक ले गए तो उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि आप प्रभाकर कीजिए तो उस समय प्रभाकर करना हिंदी की कोई आसान बात नहीं थी जब मैंने पहली बार प्रभाकर का मैं दाखला भरा और ये प्रभाकर किस में हिंदी में हिंदी में होती प्रभाकर है अच्छा ज्ञानी जो है वो पंजाबी की होती है अच्छा हाँ। जी। तो उसमें मैं एक पेपर में रह गया मैं क्योंकि आजकल ये प्रभाकर बहुत कम यूज शब्द होता है हाँ इंग्लिश ही ज्यादातर इसलिए तो प्रभाकर जो थी वो काफी कठिन थी उसमें छब्बीस ताइस बुक्स थी अच्छा तो मिस गाइड से मैं एक पेपर में रहा और उस समय ये ऐसी छः सात परसेंट उस समय प्रभाकर का रिजल्ट आया करता था ये इतनी कठिन थी जी। उसमें ये था कि चालीस परसेंट तो छह जो पेपर है उसमें पास होना चाहिए अच्छा। और एग्रीगेट जो है जो उसका पैंताली होना चाहिए ओ। जिसका एक नंबर एग्रीगेट से रह जाता जी। जा एक पेपर से रह जाता तो उसे फेल किया जाता जब जा उसके कंपार्टमेंट दी जाती ये जा बड़ा कठिन था सात सात बार लोगों ने पेपर देने के बाद जब फेल हुए लोग मैदान छोड़ गए तो दूसरी बार जब मुझे प्रभाकर करने का मौका मिला तो उस समय मेरी जो जॉब थी वो गांधी मेमोरियल हाई स्कूल गुरदासपुर में लग गई मुझे पढ़ने का माहौल मिला हेडमास्टर यहाँ पे वहाँ पे गुरदयाल सिंह सांबल जी बहुत अच्छे थे वो सातवीं से आगे चल के उन्होंने एम ए हिंदी की थी और उसके उनके बेटे ने उनको बी एड करवाई थी फिर आ, पहले उन्होंने अपने बेटे को बी एड करवाई फिर बेटे ने उनको बी एड करवाई थी तो वो एक बात जानते थे कि बेटा मेहनती बनो ईमानदार बनो और मेहनती बनो तो पढ़ने वाला बच्चा है आगे चलो तो उनकी शाबाशी से मैंने दोबारा पेपर दिए प्रवा करके और अच्छे नंबरों में पास हुआ तो आगे फिर मुझे कहने लगे कि तू बीए कर मैंने भी ये आगे करनी शुरू की जिस दिन मेरा बीए का लास्ट पेपर था उस दिन मेरे जो मैंने इंटरव्यू दी थी मैंने अपनी सरकारी नौकरी के लिए तो मेरा उस दिन आर्डर आ गया लास्ट पेपर के दिन वो पेपर देके आया साथ ही मुझे वो लेटर मिल गया क्या बात है कि तो है? सरकारी नौकरी के लिए चुना गया है पहला वो है। था तो वो अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल किंतु तो सरकार तो सरकारी होता सर, है बिल्कुल हुँ? पहले के जमाने में सरकारी को बहुत मानते अभी भी मानते हैं लेकिन हां हां हा। पहले कुछ ज्यादा था ये सरकारी है नौकरी है सर, आर्मी में है ऐसा है वैसे तो जब मैंने उनको ज्वाइन दिया तो मुझे कहने लगे एक बात मेरी याद रखना बेटा मैंने कहा बताओ क्या कहना चाहते हैं आप कहते है अभी शादी नहीं करना तो उन्हें एम करनी है उसके बाद आगे और पढ़ना है तो बहुत मेहनती बच्चा है कॉलेज में जाएगा प्रोफेसर बनेगा या आगे आगे तो प्रिंसिपल बन सकता है गवर्नमेंट में मैंने जैसे ज्वाइन किया तो उसके बाद आठ साल के लिए सरकार सरकार ने बैन लगाया जो आठ साल के बाद वो बैन टूटा Hmm. फिर मैंने एमए की हिंदी में और उस समय मेरा बेटा बड़ा कुणाल शर्मा नौवीं में था और छोटा बेटा सातवीं में था करुणेश शर्मा तो मैं बी करना चाहता था बी की फिर मेरा मन था कि मैं पीएचडी करूं मैं हिंदी में तो मेरी पत्नी वो इस विचार से बड़ी कायल थी कि मेरा जो पति है जो मेहनती है जो पढ़ने में ठीक है जो पीएचडी करे उसने मेरे आगे जो एक विचार रखा कि मैं जम्मू अपने मायके दोनों बच्चों को हम स्कूलों में दाखिल करवा देंगे हुँ. तो मैं सर्विस करूँगी तो आप इधर अपने महकमे से छुट्टी ले करके पी एच डी करिए मेरे एक मित्र डॉक्टर लेखराज जी वो साहित्यकार भी थे और मेरे मित्र भी थे मैंने जब उनसे पूछा राय ली तो उसने कहा कि इस समय तुम्हारी जो तनख्वाह छः सात हजार है तो पीएचडी करने में कम से कम दो हजार एक महीने का तुझे चाहिए तो तू ऐसा कर कि बच्चों को आगे पढ़ा और तू ऐसा अच्छा लिख कि ताकि लोग तुम्हारे ऊपर रिसर्च करें तू किसी के ऊपर क्यों रिसर्च करता है hmm. मैंने उस विचार को छोड़ दिया और बच्चों को आगे मैंने पढ़ाना लिखाना शुरू किया तो तीस साल के बाद मेरा पहला जो नोबल था मंजिल और गर्दिश वो पंजाब सरकार ने जितने भी सरकारी गैर सरकारी स्कूल थे मान्यता प्राप्त थे उनमें आठवीं से लेकर के प्लस टू तक के लिए उन्होंने लाइब्रेरी के लिए मान्यता दी थी कि जे किसी भी लाइब्रेरी में, में, में जा पढ़ाए जा सकते हैं, सकते हैं।, जा सकते हैं क्या बात है तो तीन साल तक मैंने अपने बच्चों के पालन पोषण में मैंने लगाए उनको आगे बढ़ाने में सेटल करने में लगा दिए तो 2003 में ही मेरी बीबी स्वर्गवास हो गई तीन साल तक मैं हस्पताल में धक्के खाता रहा मन को जोड़ता रहा आगे फिर चलने के लिए फिर 2006 से इकत्तीस अगस्त दो हज़ार को मैं सरकारी सर्विस से सेवा मुक्त हुआ तो छोटा बेटा जो था उसने ज़िद की कि मैंने फ़ौरन में जाना है जो मुझे सर्विस से मिले वो सारे पैसे कुछ लोन लेकर के मैंने उसे बाहर भेज दिया उच्च शिक्षा के लिए और

मिलती है आगे आपकी कविताओं की कुछ पंक्तियां हैं आपने क्या लिखा है देखते हैं देशभक्ति के गीत करते हैं नई चेतना का संचार आजादी सम रांगण में गीत बने शक्ति आधार सूर मीरा और कबीर के लोग भजन जब सुनते हैं दुखी अशांत उनके हृदय सुख चैन भरने लगते हैं संत फकीर साधु जनों के जादू वैसा भजन करते हैं हरि दर्शन की इच्छा में नयन बरसने लगते हैं आजादी की लड़ाई में एक गीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा बंदे मातरम जी वो उन्होंने अपने नोबल अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा था तो आनंद मठ के इस गीत को सन 1936 में जी ये एक राष्ट्रीय गीत के रूप में चुना गया और इसे गाया जाने लगा उस समय आजादी की लड़ाई में जो चलने वाले थे नेतागण जामजन वो गली गली गाया करते थे वंदे मातरम आज भी जब रेडियो की शुरुआत होती है सुबह तो मंगल ध्वनि के साथ यही एक गीत बजता है वंदे मातरम कि ये धरती है इसकी पहले वंदना करो ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है जी। कि जब हमारी आँख खुलती है तो पहले उठ करके परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करने के बाद धरती को पहले तीन बार अपने माथे से रुकाओ और उससे उसे, उसे आज्ञा मांगो कि हे माँ अब मैंने अपने जो दुनिया का कारोबिहार करना है मुझे अपने ऊपर धारण की धारण करने की आज्ञा दो तो पहला पाँव ये वंदना करने के बाद अपना रखो तो धरती जो है ये हमारी माँ है जे माँ की भी माँ है जे हमारी नानी है जिसने हमारी माँ को भी आश्रय दिया वो नानी है नानी है जी नानी तो बहुत ही ज्यादा प्यार करती है बिल्कुल 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 तो जो ये जो गीत था जी। इसने में आजादी की लड़ाई में बहुत ज्यादा रोल पैदा रोल अदा किया कि लोग झूम झूम करके गाते थे और लोगों में एक उत्साह था जी। एक प्रेरणा इस गीत ने इतनी दी कि ये गीत जब गाते तो अंग्रेजों को जो दिल थे वो धड़कने लगते हैं कि ये यार ये बुला कहाँ से आ गई है जी, जी ये क्या, क्या गीत है क्या ये है सो गीत के जो जो आजादी के परमाने थे वो गीत गाते लाठियाँ पड़ रही हैं यही गीत वो लोग लो आए जाते थे और मार लो गांधी जी का अहिंसा का व्रत था कि हम हाथ नहीं उठाएंगे तो लाठियां बरसती थीं अंग्रेजों की किंतु ये सी नहीं करते थे ये यही गीत गाते हुए आगे निकलते थे अपने आप को गिरफ्तार करवाते थे ये गीतों का एक कमाल है जी हाँ। आगे आपने कहा रागों से बुलाकर बेजू हर मृगों के गले थे डाल तानसेन बुझे दीप जला ओ पत्थर भी पिघला डाले लता सुरेश नूर जहां ने असंख्य गीतों को गाया भजन गीत और गजलों से जक्का जी बहलाया सरगल रफी मुकेश किशोर रसधारा को बहाने वाले मधुरकंठ स्वर के कारण अमर सदा को जाने वाले जैसा गीत है वैसी वो भावना जो सुनने वाले उसमें भर देते हैं आप पंजाबी के गीत हैं वो एक्शन गीत हैं जब शादियों में वो गीत गाए जाते हैं तो जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें होती हैं वो भी नाचने को तैयार हो हैं। जाती हैं एड़ी उनकी उठ जाती है जो गीत का कमाल ही ऐसा है कि जैसा जैसा भाव है जैसे स्वर है जे आदमी को अपनी तरह उसी में अपने बहा लेते हैं उसी भाव में चले जाते हैं अगर ईश्वर की बात करते हैं तो कबीर साहब लिखते हैं कि झीनी रे झीनी रे चदरिया झीनी रे झीनी तो आदमी ये उस भाव में खो जाता है कबीर साहब के भाव में जब खोता है ये तो वाक्य जो काया रूपी चादर जीनी है ये जी जी कभी भी मिट सकती है और उसके दोहे को देखो कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बनाए तातड़ मुला बांग दे बहरा हुआ खुदाए देखो तो उनकी पंक्तियों में कितना सार है कि क्या उन्होंने एक चोट की है अपखंड के ऊपर कि वो परम सत्ता जो है वो वो हमारे मन के बीच वो हमारे हृदय में बसता है इतना जोर को जोर से जो कहने की जरूरत ही क्या है मस्जिद बना लिया मंदिर बना लिया और मन साफ ना हुआ हृदय साफ ना हुआ हमारा आचार विचार जो आचार विचार हमें हम शुद्ध ना हुए तो ईश्वर मिलन कैसे होगा उनका करते हैं ये कंठ स्वर कंठ स्वर जो इसे अरो और अवरो कहते हैं इसे काकू बखरो भी बोलते हैं हिंदी में हम जी। कि एक शब्द को हम गले की स्वर से अलग ढंग से बोलते हैं उसे काकू बखरोक नहीं कहते हैं अच्छा हाँ। स्वर एक है किंतु कहने का जब अंदाज बदल जाता है तो उसे काकू बखरोक नहीं बोलते हैं हम। हाँ।, हाँ। बहुत अच्छा मानव पीड़ा को गायकों ने अपने स्वरों बह, अपने स्वरों बहाया दरगमों को पीकर भी जग जी बहलाया प्रेम शांति का संदेश जन जन तक पहुंचाया आतंकवाद ने इनको हाय गोलियों से उड़ाया है युगो युगों तक गायक गीत महफिल रंग जमाएंगे गायक बधु हर देश के चिराग सुंदर कहलाएंगे यहाँ पर अंत में आपने चिराग शब्द लिया अपनी किताब का ही जी ये भी चिराग हैं। जो महफिलों का रंग बदलते हैं जैसी महफिल है वैसा गीत गाया जाता है जी मातम नातम पुरसी है कहीं अगर मातम पुरसी है तो वहाँ वैसा गीत गाया जाता है और हमारे शास्त्रीय संगीत में अलग अलग समय के गीत जो हैं वो निश्चित किए गए हैं और राग जो हैं उनमें अलग अलग राग जो हैं वो अलग अलग समय के लिए कहे गए राग क्या है? है राग क्या है राग राग हम गीत को ही राग कहते हैं शास्त्रीय संगीत में अपना एक उसमें सात स्वर होते हैं जी। सारे गामा पादा नी सा इस तरह से तो यो शास्त्रीय संगीत को सीख करके गाते हैं जैसे लता जी गाते हैं मोहम्मद रफी ने गाया है सैगल ने गाया है मुकेश ने गाया है ये सब शास्त्रीय संगीत के माने हुए जे मरमग्गे थे जो जानते थे कि संगीत क्या चीज है किसी चीज को गाना कहाँ शब्द उठाना है कहाँ नीचे ले जाना है इसकी लय कैसे बनानी है ये सारी शास्त्रीय संगीत में निजम हैं ये जो शास्त्रीय संगीत के जो मास्टर हैं जो शिक्षक हैं जो उनसे सीख करके आगे गाना सीखा जाता है आपने आप अभी पीछे कुछ आरोह अवरोह की बात की आरोह होता है कि एक शब्द को ऊपर ले जाना अवरोह होता है कि उसको नीचे उतारना गीत है जब वो किस तरह से जैसे हम तो जैसे मानिए कि मैं गीत गा रही हूँ हाँ। हम तो सीधा लय में गा रहे हैं। हाँ कोई गाना गा रहे हैं हमको सीधा लय में गा दिया हाँ। लेकिन वो ऊपर नीचे ले जाना उसको कैसे हम मतलब सारे पाधा नी तो हमने गा दिया जी। यही अरो और अवरोह है जैसे सर गादानी सा और अवरोह है जिस खाया जाता है कि इस शब्द को इस तरह से गाना है जब भी वो संगीत देते हैं हमारे हिंदुस्तान के बहुत बहुत बड़े संगीत संगीतकार हुए हैं तो आ, उनके माध्यम से जब संगीत की जब गीत की प्रैक्टिस हो होती है और वो जो संगीत देने वाले हैं वो तर्जे वो बनाते हैं गायक जो है गाने वाला है गीतकार लिखने वाला है और संगीतकार जो है उसकी तर्ज बनाने वाला हो उसको संगीत देने वाला है मतलब ये सभी जो चार पांच जो चीज़ें है, हाँ हाँ। अलग -अलग अलग हैं।, अलग हैं अलग अलग इंसान अलग बनाई हुई अलग अलग हैं तो गीत गाने वाला शुरू होता है संगीत में जब उसका निर्देशक होता है डायरेक्टर होता है वो अलग अलग इशारा जहाँ बांसुरी की तरफ इशारा बांसुरी बजती है जहाँ ढोल का वहाँ तो ढोल का बजती है जहाँ पे अलग अलग हारमोनियम है ये सारे इंस्ट्रूमेंट जब मिल करके चलते हैं जैसे एक एक पुरुष है पुरुष हुआ उसका तन हुआ जे कपड़े हो गए बनाप श्रृंगार हुआ जे तीन चीजें आ गई हाँ। गीतकार गीत गाने वाला और गीत जो गीतकार लिखने वाला गायक गाने वाला और संगीतकार उसका जो उसका श्रृंगार करने वाला उन शब्दों का उस गीत का श्रृंगार करने वाला जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि मुगल आजम एक फिल्म सन उन्नीस सौ सात उन्नीस सौ साठ में ये रिलीज की गई बहुत पुरानी मूवी है और बहुत इस मूवी का प्रचार भी हुआ है अभी तक भी ये। पहले ये ब्लैक एंड व्हाइट में थी हाँ हाँ। अब तो ये तो कलरफुल में आ गई है हाँ हाँ अभी हाँ तक हाँ भी हाँ। ये मूवी चल रही है तो इस ये फिल्म जी ऐसी थी जिसे चौदह साल बढ़ने में लगे क्या बात है उस समय दिलीप कुमार उन्नीस साल का था जब तेती को हुआ तो ये फिल्म खत्म हुई थी उस समय ऐसी क्या बात है इस इसमें इसमें बात ये थी कि जो बनाने वाले थे मुझे निर्देशक का भी नाम नहीं याद आ रहा तो एक फाइनेंसर होता है जो फिल्म के ऊपर पैसे लगाता है और एक निर्देशक होता है कि जो एक्टरों से अपने मुताबिक उनसे एक्टिंग करवाता है तो कहते हैं कि जो पहला गीत है उसमें एक गीत है या प्यार किया तो डरना क्या जी हुँ? बहुत फेमस हुआ था ये गाना और अभी भी हाँ। चलता है ये गाना। कहते हैं कि इस गीत के ऊपर उस जमाने में दस लाख खर्च हुआ था ये गीत लता ने गाया जैसे आवाज चाहिए थी लता को उन्होंने बाथरूम में कहा था कि यहाँ गीत गाओ ताकि उस तरह की आवाज फैले इसमें और ये सौ गीतों से चुन करके ये गीत पसंद किया गया था या प्यार किया तो डरना किया बहुत क्योंकि दिलीप कुमार जो जो मधुबाला और दिलीप कुमार ये इनका आपस में एक प्यार स्टोरी थी जिसे अकबर पसंद नहीं करता था कि मेरी जो बहू है वो एक नर्तकी की हाँ, मेरे दरबार की हाँ, नृत्य करने वाली हाँ, थी वो वो, जी वो मुगल खानदान की बहू बने जी जी। यही एक अड़चल उसका नाम था अनारकली वो सुंदरता की मूर्त थी गाती बहुत थी और नर्तकी बड़ी जबरदस्त थी किंतु ये सब गुनों होते हुए भी अकबर का एक अकबर का एक ही लड़का था सलीम तो वो कहता था कि सलीम के इसके साथ मैंने शादी नहीं हो मैं मैंने होने नहीं देनी है यही एक रफड़ था वहाँ भी वहाँ वहीं यही एक उलझन पैदा हुई वो दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे और अकबर उनको दोनों मिलने नहीं देना चाहते थे <laughs> तो आपका ये एक पहलू इस गीतकार और गायक में भी आता है बिल्कुल 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 <laughs> और आ, हुआ ये कि ये कि दोनों आपस में शादी करना चाहते थे दोनों मुस्लिम थे जी। और नाम इनके जो अलग अलग जो हमारे हिंदुओं वाले रखे दिलीप कुमार और उसका नाम दूसरा हो गया मधुबाला हो गया किंतु थे जो मुस्लिम इनकी शादी हो सकती थी किंतु जो मधुबाला का बाप था वो नहीं चाहता था इन इन दोनों की शादी हो वो किसके साथ उसने एक्टिंग करनी है किस फिल्म में उसका जो नायक बनना है किसके साथ इसने फिल्म करनी है वो उसका बाप जो निश्चित करता था ये फैसला उसका होता था और मधुबाला में इतना धमखम नहीं था कि वो उसका विरोध कर सकती कि आप ये करने वाले हो कौन जबकि इतनी बड़ी वो नायिका थी और वर्ल्ड फेम मधुबाला वर्ल्ड फेम नायिका मानी गई जी 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 बिल्कुल उसे इतनी खूबसूरती और जो वो वो कोई रिहर्सल करके वो अभी आज नहीं भी ऐसा कोई है नहीं उनकी तरह। उनकी उनकी तरह जो उनमें ऐसा का परम पिता परमेश्वर ने उनके अभिनय में उनकी सुंदरता में उनकी अदाओ में ये है कि एक कशिश थी जो में बेमिसाल थी बहुत तो वो फिल्म आज भी हम देखें जितनी बार मर्जी देखे हाँ, मन बार करता बार, है वो देखते रहे बार, बार बार देखने को मन, करता मन है मन करता है मन उबता नहीं है यही ये जो गीत ये जो गीत हैं इन्होंने उसमें चार चा लगा दी है उसमें जी 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 बिल्कुल सदा बहार सदा बहार वो फिल्म सदा बहार है गीत सदा बहार है गीत सदा मैं कभी जब वैसे भी लता जी और मुकेश और ये मोहम्मद रफी जो हाँ। है इनके गाने ऐसे हैं हाँ। कि सदा बहार है सदा बहार गीत जी आ, बिल्कुल 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 आपकी इस कविता में पुराने जमाने की तरफ लेके हाँ, चले गए काश हाँ, मैं तो ये कहती अगर मैं भी उस जमाने में होती तो शायद नजारा ही कुछ और होता होताजन्म हो। तो हम है हमें याद नहीं था उस समय हम किस रूप में थे आ, आपने सही बोला लेकिन याद आता तो शायद मैं आपको ये भी बताती हाँ मैंने ऐसा भी देखा आपकी गीतकार और गायिका में इस कविता में बहुत अच्छा सीखने को मिला कि गीत भजन और गजलों को एक ऐसा सुर ताल देने वाला भी होना चाहिए क्योंकि इसमें ताल की सबसे बड़ी चीज एक मात्रा जो बोलते हैं हाँ। मतलब इनमें भी एक मात्रा की तालमेल होना चाहिए बिल्कुल 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 ताल के हिसाब से तो से वो चलेगा चले चले ना हाँ। आपने गजलों में बताया कि इसमें टोटली उर्दू लिया जाता है हिंदी हाँ, नहीं लिया जाता हाँ, हाँ। और आपने इसमें प्रेम शांति का संदेश भी दिया जन जन तक पहुंचाने की कोशिश भी की साथ ही साथ आपने महफिल हाँ। कुछ गाने ऐसे हैं जो आपने से अभी प्यार किया तो डरना क्या का गाना आपने बताया कि ये महफिल को भी जगमगाते हैं और अभी भी वो गीत चलता है आपकी इस कविता में बहुत अच्छा लगा सीखने को तो बस इतना है कि हमें एकांत चाहिए एकांत एक चाहिए साधना के लिए एकांत चाहिए साधना के और उसके लिए। साथ हमें अभ्यास चाहिए उसका अभ्यास चाहिए। अभ्यास जरूरी है इसके लिए आप दर्शकों को क्या संदेश देंगे मैं यही कहता हूँ कि माँ बाप मेरे दोस्त मित्र जो भी मुझे सुन रहे हैं वो अपने बच्चों में जो गुण देखते हैं उनमें उस, उन, उस गुण को डेवलप करने के लिए उनको उत्साहित करें उनको दबाए नहीं को हर एक में कोई ना कोई गुण है तो बच्चों में हर इंसान ईश्वर हर इंसान को एक गुण दे करके बेचता है तो माँ बाप अध्यापक वो पहचाने की इसमें क्या गुण है और गुण को उभारे अगर गुणी बच्चे जहाँ पे होंगे तो हाँ, हमारा भारतवर्ष और उन्नति करेगा और इसका नाम शान नाम होगा शान और बढ़ेगी शर्मा जी आप हमारे इस कार्यक्रम में आए आपका बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मित्रों समय अब यहीं समाप्त होता है ज़्यादा ना बातचीत करते हुए मुझे दीजिए अभी इजाज़त अगली कड़ी में नई कविता के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगी तब तक के लिए दीजिए इजाज़त नमस्कार ओम शांति ओम शांति धन्यवाद